तो पहले आपको निकालना है ये रबर मोल्डिंग ऐसे ऊपर। तो ये मोल्डिंग निकालने के बाद ये प्लास्टिक का कवर जो है वो ऐसे ऊपर निकाला तो बाहर निकलता है, वो आपको बाहर निकालना है। नमस्कार दोस्तों, राइसंस गैराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको इस फोर्ड फिगो एस्पायर का फ्लोर का लेमिनेशन किया हुआ है वो लेमिनेशन मैं अभी निकालूंगा और इसके नीचे क्या हल हुआ है वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेमिनेशन निकालने के लिए आपको अपने सब सीट्स पहले निकालने पड़ेंगे। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, उधर लिंक मैं इधर ऊपर डाल दूंगा, उधर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इधर मैंने मेरे सब सीट्स निकाल दिए हैं और साइड में वो प्लास्टिक का पैनल निकाला है अभी अभी। तो ये सब निकालने के बाद ये कारपेट अभी मैं ऐसे खींच के बाहर निकालूंगा। अभी ये वायर जो है ये एम्पलीफायर के वायर्स है, इसके ऐसे वायर्स शायद आपके नहीं रहेंगे। अगर आपका एम्पलीफायर है तो ये वायर्स रहेंगे, तो ये वायर्स आपको पहले ऐसे खींच के बाहर निकालने हैं। अब आपको ये सीट बेल्ट जो है उसका एक इधर बोल्ट रहता है वो आपको निकालना है। तो ये बोल्ट निकालने के बाद इसके और जो वाइसर विसर सब रहते हैं वो आपको ऐसे निकाल के साइड में रखना है, क्योंकि ये आपको वापस डालना है। तो ये कारपेट साइड में निकालने के बाद ये बेल्ट का बोल्ट मैं इधर वापस डाल रहा हूँ। अब मैं निकालूँगा मेरा बाकी का कारपेट। तो ऐसे खींचा तो ये बाहर निकलता है। इधर आप देख सकते हैं कितना पानी इधर दिख रहा है वो। तो अब मैं निकालूंगा मेरा दूसरे साइड का बेल्ट का बोल्ट और बाद में ये कारपेट जो है वैसे खींच के बाहर निकालूंगा और वो बेल्ट का बोल्ट वापस डालूंगा। तो इधर इस पैनल के नीचे ये कारपेट रहता है वो भी खींच के आपको ऐसे बाहर निकालना है। तो ये पैनल लूज करने का वीडियो अभी तक मैंने किया नहीं है, जब मैं ये वीडियो करूँगा तो इधर लिंक में ऊपर डाल दूंगा। तो अब मैं निकालूंगा मेरा बाकी का कारपेट। तो ये निकला मेरा पूरा लेमिनेशन बाहर और इधर आप देख सकते हैं इस लेमिनेशन के नीचे कितना पानी है। तो ये आपको कभी कभी मालूम भी नहीं गिरता है, आपको लगता है कि आपका लेमिनेशन है इसलिए आपका नीचे पानी नहीं जा सकता है। तो इधर आप देख सकते हैं इधर कितना पानी है वो, इसीलिए मैं ये लेमिनेशन कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो लास्ट कार का वीडियो मैंने किया था, अगर आपका एसी का पानी ऐसे कारपेट पे आता है तो क्या करना है, वो आपको नीचे आपका ड्रेन क्लीन करना है। उसका लिंक मैं इधर ऊपर डाल दूंगा, उधर जाके आप वो वीडियो देख सकते हो और आपका खुद का ड्रेन क्लीन कर सकते हो। और अगर वो ड्रेन क्लीन करने के बाद भी आपका पानी ऐसे फिर से आता है, ये लीक ढूंढने के लिए मैं आगे वीडियो करूँगा। तो मेरे वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा।